जानते हैं कि जो किसान प्रोडक्ट्स हैं वो अलग क्रॉप पे अलग अलग कैसे यूज किए जाते हैं। जनरल इन्फॉर्मेशन आपको पता है कि तीन कैटेगरी के अपने पास प्रोडक्ट होते हैं, एक्टिवेटर कैटेगरी, न्यूट्रिशनल कैटेगरी और प्रोटेक्शन कैटेगरी। ठीक है, प्रोटेक्शन। चलिए, तो मैं बात कर रही थी कि न्यूट्रिशनल कैटेगरी, तीसरा है अपना कैटेगरी। प्रोटेक्शन कैटेगरी में दो प्रोडक्ट आते हैं अपने, और उन दो प्रोडक्ट को अगर हम अलग अलग रखना है सकते हैं, वरना उसको हम एक कैटेगरी में भी रख सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम 100। किसान 100 का नाम किसान 100 है क्योंकि इसके जो इंग्रेडिएंट्स है वो 100% इंग्रेडिएंट्स हैं, कोई भी 82 और 80% के इंग्रेडिएंट्स इसमें नहीं है। ठीक है, एक्टिवेटर कैसे काम करता है? इसको हम जनरली एक्टिवेट, थोड़ा सा नेटवर्क का इश्यू हो गया था, तो मैं अभी बात कर रही थी कि किसान 100 एक एक्टिवेटर, पेनिट्रेटर, स्प्रेडर की तरह काम करता है, जो कि जिसका बेसिक रोल होता है मिट्टी में नमी को बनाए रखना, मिट्टी में और प्रोडक्ट में मौजूद इंग्रेडिएंट्स को एक्टिव करना, और एक स्प्रेडर और पेनिट्रेटर की तरह काम करना। मतलब कि किसी भी फर्टिलाइजर और जो भी हम पेस्टिसाइड या इंसेक्टिसाइड यूज करते हैं उसमें अगर हम किसान 100 को मिक्स करके यूज करें तो वो उस दवा की या उस फर्टिलाइजर की एफिशिएंसी को बढ़ा देता है, क्योंकि ये पूरे पत्ते पर पूरी तरह एक सार जो टॉनिक्स होते हैं, जो भी फर्टिलाइजर्स हैं या इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड हैं, उनको पूरे पौधों पर एक सार फैलाने का काम करता है, और साथ ही साथ में पत्तियों के ऊपर का और निचला हिस्सा जो होता है वो से निचले हिस्से किसी प्रोडक्ट को करता है, और बहुत ज्यादा फायदेमंद है इसको जब हम पेस्टिसाइड में मिला करके या इंसेक्टिसाइड के अगर हम यूज करते हैं, तो ये ऐसे जो है क्या करता है कि जो कीड़ों के कुछ नीम्स होते हैं, जो पत्तियों पीछे कीड़े छुपे होते हैं या जो कीड़े अपने अंडे पत्तियों के पीछे करके रखते हैं, तो ये वहां तक पहुंच नष्ट करने का काम करता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो किसान 100 का काम मैंने बताया कि एक एक्टिवेटर और पेनिट्रेटर स्प्रेडर की तरह काम करता है। अब सेकंड कैटेगरी आती है अपनी न्यूट्रिशनल कैटेगरी, जिसके प्रोडक्ट्स बेसिकली पौधों को पोषण देने का काम करते हैं। अपने पास कौन कौन से प्रोडक्ट आते हैं न्यूट्रिशनल कैटेगरी में, आप लोग नोट डाउन करना चाहें तो कर सकते हैं। किसान एचएपी ग्रेन्युअल, किसान ईल्ड, किसान ह्यूमिक, किसान गोल्ड ग्रोथ, किसान अमीनोविट, फ्रू मैच्योर और एंटी फ्लो। ये अपने 8 प्रोडक्ट ऐसे हैं जो न्यूट्रिशनल कैटेगरी में जाते हैं। ये न्यूट्रिशनल कैटेगरी के प्रोडक्ट्स आज के जो बेसिक हमारा जो टॉपिक है बनाना टॉपिक, उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसके लिए आप लोग बहुत ध्यान से समझिएगा कि ये जो अपने पास 8 प्रोडक्ट अवेलेबल है इनको कैसे कैसे यूज करवाना है बनाना की क्रॉप में। ठीक है, थर्ड हम आते हैं अपनी प्रोटेक्शन कैटेगरी पे, जिसके अपने पास 2 प्रोडक्ट हैं, किसान प्रोटेक्ट और प्लांट गार्ड। ये 2 प्रोडक्ट आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं अपनी प्रोटेक्शन कैटेगरी में, बायो प्रोटेक्ट और प्लांट गार्ड। अभी तक प्लांट गार्ड लॉन्च करने का सबसे बड़ा रीजन ये था कि अपने किसान भाइयों के पास में जो वायरल इन्फेक्शन पौधों में हो जाते हैं उनके लिए कोई भी दवा मौजूद नहीं थी। तो विनफिनिट ने ये प्रोडक्ट इसलिए लॉन्च किया है ताकि जो वायरल इन्फेक्शन जितने भी किसी भी तरह की क्रॉप में आते हैं उनको पूरा कंट्रोल किया जा सके, जिससे कि पौधा समय से पहले खत्म ना हो और उससे हमें यील्ड मिल सके। ठीक है, तो इसलिए इसको प्रोटेक्शन कैटेगरी में रखा गया है। तो हम जानते हैं कि बनाना की ग्रोथ स्टेजेस क्या क्या होती हैं, बनाना कब कब क्या क्या पत्तियां निकलती हैं, कहाँ से उसमें फूल आने शुरू होते हैं, बनाना का जो है फल बनने की प्रक्रिया कैसे स्टार्ट होती है। जब तक आप इसको समझ पाएंगे कि किस स्टेज पे आपको कौन कौन से कैटेगरी के प्रोडक्ट्स का यूज करना है, राइट। अब फर्स्ट स्टेज आती है प्लांटिंग की। बनाना बनाना जब भी लगाया जाता है तो प्लांटेशन जरिए ही लगाया जाता है, कि छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं जो कल्चर लैब में तैयार किए जाते हैं,
और वहां से यार पौधों को, जो स्वस्थ पौधे होते हैं उनको हम फीड करते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि इमर्जिंग सकर की स्टेज आती है, फिर जो आपकी क्लीन मतलब प्रून होती है वो सर नेटवर्क मेरी तरफ से जो भी इश्यू आ रहा था वो सही हो चुका है। अभी मेरे पास फुल वर्क दिखा रहा है। आप प्लीज नेटवर्क में रहिए तो आप नहीं, ठीक है। अभी हम बात कर रहे थे कि कैसे कैसे अपनी स्टेजेस आती हैं, तो आप पूरे चार्ट समझ सकते हैं। जब फर्स्ट स्टेज जो होती है वो मतलब प्लांटेशन जब तक उसका तैयार होता है। तो हम यहाँ पर बात कर रहे थे कि जो बनाना का क्रॉप क्रॉप साइ बनाना क्रॉप का जो साइकिल है वो कितने दिन का होता है, और कब कब बनाना में कौन कौन सी स्टेजेस चालू होती हैं। आप लोग इस पूरे चार्ट से समझ सकते हैं कि जैसे यहाँ पर आप लोगों को क्लियर दिख रहा होगा कि फर्स्ट स्टेज है, सेकेंड स्टेज 1 से 3 महीने की होती है। फर्स्ट स्टेज के बाद में जैसे हम बनाना का प्लांटेशन करते हैं, उसके बाद में जो सेकेंड स्टेज स्टार्ट होती है वो 1 1 to 3 months की सेकेंड स्टेज होती है। उसके जब थर्ड स्टेज आती है तो 4 to 6 month की थर्ड स्टेज होती है। ये चार्ट अगर आप लोग चाहें तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी लेकर के रख सकते हैं, ठीक है। थर्ड 4 to 6 month की थर्ड स्टेज होती है, 7 to 9 months की फोर्थ स्टेज होती है, और देन उसके बाद में जो बेसिकली हमें जहां से फ्रूटिंग स्टार्ट हो जाती है उसके बाद की जो भी मंथ्स होते हैं फ्रूटिंग तक के, वो पूरी फ्रूटिंग की स्टेज कही जाती है, मतलब कि लास्ट स्टेज या फ्रूटिंग एंड हार्वेस्टिंग स्टेज कही जाती है, ठीक है। आप लोग अगर चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए, अगर आप नोट डाउन नहीं कर पा रहे हैं तो। अब यहाँ पर देखते हैं कि फर्स्ट और सेकेंड स्टेज में क्या क्या होता है, ठीक है। अब जैसे हम बनाना का प्लांटेशन करते हैं तो आप लोगों को पता होगा कि जो बनाना का प्लांट होता है वो पूरा का पूरा तने तने के बेस पर होता है, ठीक है। और धीरे धीरे पहले जब तना विकसित होता है बनाने के प्लांट का, जब उसमें ग्रोथ आती है और पत्तियां तो पहले से रहती हैं, धीरे धीरे पत्तियां उसकी बढ़ती चली जाती हैं, तो हम उसको मतलब अलग अलग स्टेजेस पे काउंट करना शुरू कर देते हैं। जब हम प्लांटेशन करते हैं बनाना का, तो क्या होता है कि प्लांटेशन करने के बाद छोटे छोटे से बनाना की जो जर्मिनेशन है अगल बगल से उसके निकलना चालू हो जाती है। तो सेकेंड स्टेज ग्रो होते होते फिर आप देखते हैं कि जो सक्सर सेक्शन वो जो होता है सकर सेलेक्शन जो है वो कैसे होता है कि मतलब 2 से 3 अलग अलग से रूट्स वहां से डेवलप होते हैं और वहां से नए नई ब्रांचेस आनी स्टार्ट हो जाती है, मतलब कि ये नए तनों का विकास होना शुरू हो जाता है, ठीक है। और जो जो हमने मेन लगाया हुआ पौधा होता है हमारा बनाने का बनाना का या केले का, वो हमारा पूरा एकदम क्लीन हो करके और बढ़ना शुरू हो जाता है, ठीक है। तब हम जब देखें आप यहाँ साइकिल से समझ सकते हैं कि थर्ड स्टेज में क्या होता है। जब 4 to 6 month की थर्ड स्टेज होती है तो आप देख सकते हैं कि जो केले का जो मेन पेड़ हमने लगाया था वो कितना विकसित हो चुका है और उसमें पत्तियां बहुत अच्छे से डेवलप हो चुकी हैं, लेकिन साथ ही साथ जो नए उसमें प्लांट्स जो साथ साथ में निकल रहे थे वो भी अब धीरे धीरे ग्रो करने शुरू हो जाते हैं। फिर नए प्लांट्स ग्रो करने के साथ साथ फिर शूटिंग स्टार्ट होती है। शूटिंग कैसे कि जहां से बेसिकली इसको हम कह सकते हैं एक बर्ड्स बनने स्टार्ट होते हैं, जहां से फ्लावरिंग की स्टेज स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। तो 1 2 3 मतलब अब आप देख रहे हैं कि जो शूट्स होते हैं वो मतलब आपने कभी अगर देखा होगा कि केले का जो फूल होता है वो रेड कलर का होता है या डार्क ब्राउन डार्क मरून कलर का अगर फूल होता है, और वो एक नारियल के शेप में आता है, जो हम लोग नारियल देखते हैं ना वो नारियल कह सकते हैं, जो मतलब कि उसके शेप में आना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जैसे ही वो फूल होता है उसके बाद ही धीरे धीरे से उसी जैसे शूटिंग स्टार्ट होती है तो उसमें फ्लावरिंग के पीछे की जो एक कह सकते हैं कि जो ब्रांच होती है उसमें से आपके केले के फल बनने स्टार्ट होते हैं। और ये आप देख सकते हैं कि इसके यहाँ पर ऑल हैंड्स ओपन का मतलब है कि सारी जो उसमें फुटाव है या जो केले को बनने की प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद पूरी एक जो
शाखा होती है केले की, वो पूरी तरह से डेवलप होती है और एक एक उसमें काफी सारे जो है बनाना, अगर आप लोगों ने देखा होगा अपने अपने घरों में, तो एक एक ब्रांच में या एक एक शूट में बहुत ढेर ढेर सारे से बनाना निकलते हैं, ठीक है। तो यही एक, ये भी एक कारण है कि जो बनाना होता है अपना, या जो केले के पौधे होते हैं, उनमें रोग जो आते हैं, जो बीमारी आती है, वो पौधे के साथ साथ आपके फलों पे भी बीमारियों का अटैक बहुत जल्दी हो जाता है, ठीक है। तो ये उसके लास्ट स्टेज क्या होती है, हार्वेस्टिंग की स्टेज आती है कि जहाँ पे वो केले पकने शुरू हो जाते हैं, मतलब 50 to 60% तक केले पकते हैं, तो उसके बाद से हार्वेस्टिंग उसकी स्टार्ट कर दी जाती है, क्योंकि केला एक ऐसा फल है जो कि बहुत जल्दी पकने की प्रक्रिया को, राइपनिंग की जो उसकी प्रोसेस है वो बहुत ही फास्ट होती है। तो ये थी बनाना की ग्रोथ स्टेजेस, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट आई होप आप लोगों ने ले लिया होगा। मैं आगे बढ़ती हूँ, और इसके लिए कब कब हमें कौन कौन से प्रोडक्ट यूज करने चाहिए। अब उसके पहले हम समझते हैं कि क्लाइमेट हमारे लिए, बनाना के लिए कौन सा सबसे अच्छा क्लाइमेट होता है। आप देख सकते हैं कि जहाँ पर मतलब गर्मी और ह्यूमिड जो क्लाइमेट होता है, जैसे जहाँ पे थोड़ी सी गर्मी और कह सकते हैं कि उमस जहाँ पे होती है, वहाँ पे बनाना बहुत ही अच्छे तरीके से ग्रो करता है, ठीक है। इसके साथ साथ मतलब कि उसमें थोड़ी सी ह्यूमिडिटी ज्यादा होनी चाहिए, जितनी ज्यादा ह्यूमिडिटी होगी पौधा उतना अच्छा ग्रो करेगा, लेकिन ह्यूमिडिटी कम हुई और बारिश अगर ज्यादा हो गई तो बनाना बहुत अच्छे से ग्रो नहीं कर सकता है। सॉइल्स की अगर हम बात करते हैं, तो बनाना के लिए जो ब्लैक सॉइल होती है, मतलब कि जैसे हम जिसको काली मिट्टी बोलते हैं, काली मिट्टी सबसे अच्छी इसके लिए मानी जाती है। और बहुत बेसिकली जो काली मिट्टी में भी जो हमारे मिट्टी के जो ग्रेन्यूल होते हैं, या जैसे आप कह सकते हैं कि मिट्टी हाथ में आप लेते हैं तो जो भुरभुरी टाइप की जो मिट्टी होती है, जो मतलब कि हाथ में लेते से आपको पता चले कि उसके अलग अलग टुकड़े जैसे नजर आ रहे हैं, तो वो मिट्टी बहुत अच्छी मानी जाती है। अब मिट्टी को अच्छा करने के लिए और उसके पीएच लेवल को मेंटेन करने के लिए, हाँ यहाँ पर एक बात ध्यान रखने की बहुत जरूरी है कि बनाना प्लांटेशन के लिए मिट्टी का जो पीएच लेवल है, या जो मिट्टी का खारापन है, वो जो है बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए। पीएच लेवल को मेंटेन करना बहुत जरूरी है। अगर आपको बहुत ही अच्छा बनाना का प्रोडक्शन चाहिए तो ठीक है, तो इस पे खास ध्यान देना है कि हमें बनाना में कैसे कैसे और कब कब हमें क्या प्रोडक्ट यूज करने हैं। मैं स्टार्टिंग थोड़ा सा बनाना के बारे में इसलिए बता रही हूँ जिससे आप लोगों को बेसिक क्लियर हो जाए, तो आप लोगों को प्रोडक्ट को यूज करने में बहुत ही आसानी मिलेगी। सीजन कौन सा अच्छा होता है, जैसे मैंने बोला आपको कि टेम्परेचर कितना चाहिए या सीजन क्या होना चाहिए, तो सीजन में अगर हम बात करें, अभी मैं बता रही थी आपको कि ज्यादा ह्यूमिडिटी के टाइम पर ही बनाना ज्यादा अच्छा हो सकता है, और यही रीजन है कि केरला और महाराष्ट्र में बहुत ही ज्यादा केले का प्रोडक्शन होता है, ठीक है। अगर मैं बात करूँ ऑल ओवर इंडिया में, तो ऑल ओवर इंडिया में केरल और महाराष्ट्र दो ऐसे स्टेट हैं जहाँ पर पूरे इंडिया का ऑलमोस्ट 70 to 80% बनाने का प्रोडक्शन होता है इन दोनों स्टेट्स में। अब सीजन में अगर हम बात करते हैं, तो बनाना के लिए सीजन ना तो बहुत ज्यादा गर्म होना चाहिए, ना बहुत ज्यादा ठंडा होना चाहिए, बीच का सीजन होना चाहिए। जैसे हम कह सकते हैं कि बारिश के टाइम का, या बारिश के पहले उमस भरा जो मौसम होता है, जिसको हम बोलते हैं कि बहुत ज्यादा ह्यूमिडिटी उसी मौसम में हमको मिलती, तो बनाना के लिए सबसे अच्छा सीजन वही माना जाता है। अब हम मेन टॉपिक पे अपने आते हैं कि हमको कौन कौन से प्रोडक्ट्स का यूज करना है, कैसे कैसे। अब लैंड की प्रिपरेशन हमें बनाना की करनी है, तो बनाना की लैंड प्रिपरेशन करने से पहले उसकी जो भी लैंड होती है, लैंड की आपको पता है कि पूरी जो तैयारी की जाती है काली मिट्टी में, तो वहां पे उसी टाइम पे उसमें वीट का ट्रीटमेंट कर दिया जाता है, जो घास फूस जो निकल रही होती है, या जो अनवांटेड प्लांट्स आ रहे होते हैं, उनका साफ सफाई करनी बहुत जरूरी होती है, क्योंकि बनाना सीधे के सीधे उसका कोई सीड ट्रीटमेंट नहीं कर रहे हैं, हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं। लैब में, टिश्यू कल्चर लैब्स में बनाना के प्लांट तैयार होते हैं, ऑलरेडी सारे ट्रीटेड प्लांट होते हैं, तो हमको क्या काम करना होता है, बेसिकली मिट्टी पे काम करना होता है, जिससे कि
बनाना बहुत अच्छे से अपनी जड़ों को पकड़ करके, और उसमें जो जर्मिनेशन है या जो हम देख रहे थे कि फर्स्ट और सेकंड स्टेज में जो अलग से जो उसमें प्लांट्स निकल रहे हैं वो बेसिकली निकल सके। ठीक है, लैंड प्रिपरेशन करने के टाइम पे बनाना के लिए जब हम लैंड तैयार कर रहे होते हैं तो हर्बिसाइड्स में या कि जो वीड्स कंट्रोलर जितने भी आते हैं उनके साथ में किसान 100 को मिला करके हमें डालना होता है। और एक सबसे अच्छा तरीका होता है कि लैंड प्रिपरेशन के टाइम पर कि अगर हम ड्रिप के माध्यम से कोई भी ड्रिप इरिगेशन, जो कि मैं अपने कई सेशंस में आप लोगों को बता चुकी हूँ, ड्रिप इरिगेशन के माध्यम से हम जो भी प्रोडक्ट्स देते हैं वो बनाना के प्लांटेशन में बहुत ज्यादा इफेक्टिव होते हैं। तो यहाँ पर ड्रिप इरिगेशन में चलाने के लिए सबसे अच्छा प्रोडक्ट अपना है किसान ईल्ड। किसान ईल्ड बेसिकली मिट्टी में, कल भी मैंने बताया था अपने सेशन में कि किसान ईल्ड कैसे काम करता है। बेसिकली ये सीवीड पे बना हुआ प्रोडक्ट है जो कि बहुत सारे न्यूट्रिशनल जो वैल्यूज होती हैं मिट्टी को जो जरूरत होती है उन न्यूट्रिशनल वैल्यूज को एक ही सिंगल अपना प्रोडक्ट है जो कि पूरा कवर अप दे देता है। किसी भी तरह की कोई भी डिफिशियंसी अगर मिट्टी में आ रही होती तो ये उसको पूरी पूरा कर देता है। ठीक है, तो किसान ईल्ड का यूज बनाना प्लांटेशन के पहले जब हम लैंड प्रिपेयर करते हैं तो वहां पर आपको एटलीस्ट 500 ग्राम से 800 ग्राम पर एकड़ में मिला करके और आपको डालना है। ड्रिप इरिगेशन करिए तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर ड्रिप इरिगेशन नहीं कर पाते हैं तो भी इसको आप काउ डंग में मिला करके या डायरेक्ट, क्योंकि ये वाटर सोल्यूबल प्रोडक्ट है तो पानी में मिला करके डायरेक्ट इरिगेशन इससे किया जा सकता है। ठीक है, और उसके बाद क्या होता है, जैसे एक अच्छी बात होती है कि इसको आप नीम केक में मिला सकते हैं, वर्मी कंपोस्ट में मिला सकते हैं। ठीक है, या जैसे जो और भी तरह के ऑर्गेनिक मैन्योर आ रहे हैं आप उसमें मिला सकते हैं। तो नीम केक बेसिकली क्या काम करता है, नीम केक एक ग्रोथ के साथ साथ में जितने भी इंसेक्ट जो इनिशियल स्टेज पे, क्योंकि बनाना में इंसेक्ट और बीमारी बहुत जल्दी आती हैं और प्राइमरी यानी कि इनिशियल स्टेज से आने लगती हैं, तो उसको नीम केक कंट्रोल कर लेता है। या जो मिट्टी में होने वाले कीड़े होते हैं जो नीमाटोड वगैरह हो जाते हैं उनको कंट्रोल कर देता है। ठीक है, तो बनाने में या केले में इनिशियल स्टेज पे बीमारियां और कीड़े नहीं लगने पाते, तो बहुत अच्छा होगा कि अगर आप नीम केक में किसान यील्ड को मिला करके और पूरा ब्रॉडकास्टिंग करवा दें, मतलब पूरे खेतों में छिटक दें। डोजेज यहाँ थोड़ी बढ़ा के डालनी होती हैं, जनरली किसान यील्ड की डोजेज 300 ग्राम पर एकड़ होती हैं, लेकिन यहाँ पर आप 500 से 800 ग्राम पर एकड़ के अकॉर्डिंग आप नीम केक में, जो एक एकड़ के लिए आप जितनी मात्रा नीम केक की लेते हैं उसी में मिक्स करके और पूरे पे ब्रॉडकास्टिंग करवा सकते हैं। और अब आगे बढ़ते हैं कि इरिगेशन मैनेजमेंट कैसा होना चाहिए। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि इरिगेशन बनाना प्लांट्स के लिए सबसे अच्छा होता है ड्रिप के माध्यम से, कि अगर आप ड्रिप के माध्यम से दे रहे हैं तो केले की जो जड़ें होती हैं उनके अंदर अंदर सारे न्यूट्रिशनल प्रोडक्ट्स को पहुंचाया जा सकता है, और इरिगेशन ना ज्यादा मात्रा में होगा ना कम मात्रा में होगा, क्योंकि ड्रिप इरिगेशन की सबसे अच्छी खासियत होती है कि वो धीरे धीरे वाटर उसमें से रिलीज होता रहता है और प्लांट को जितनी जरूरत होती है उतना पानी प्लांट को समय समय पर मिलता रहता है। तो इसके लिए सबसे अच्छा मेथड होता है इरिगेशन का कि आप इसको ड्रिप के माध्यम से दें, और अगर ड्रिप के माध्यम से नहीं दे रहे हैं तो समय समय पर आपको ये चेक करना होता है कि पानी कहीं खेतों में बहुत ज्यादा तो नहीं है या बहुत कम तो नहीं है, दोनों ही नहीं लेवल अच्छे नहीं होते, इसलिए पानी में बस इतना होना चाहिए कि पौधों में नमी बरकरार रहे। ठीक है, और नमी बरकरार रखने के लिए आप यहाँ पर क्या प्रोडक्ट यूज कर सकते हैं, अपना किसान 100। जब आप ड्रिप इरिगेशन कर रहे हैं तो किसान 100 की सबसे अच्छा तरीका है कि जहां पर भी ड्रिपिंग चलाई जाती है जिस जगह से जो उसका मेन सोर्स होता है वहां पर आप किसान 100 की एक बॉटल में उल्टा करके उसको टांगे या सीधा टांगे वो आप पे डिपेंड करता है, लेकिन उसमें बॉटम में छोटा सा एक होल कर दीजिए, होल करके उसको ऊंचाई पे किसी भी सहारे से आप उसको वहां पे लटका सकते हैं ताकि किसान 100 की बॉटल में से एक एक ड्रॉप पानी
पानी में मिलती रहे और जो पानी ड्रिप के अंदर अंदर से पौधों में पहुंच रहा है वो उसमें मिल करके और पौधों के अंदर अंदर पहुंचता रहे, तो वो पानी की कमी को या पानी जो नमी का स्तर होता है उसको वो मेंटेन करने का काम कर लेता है। ठीक, अब यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि जब बनाना प्लांटेशन हो जाता है उसके बाद हमें क्या यूज करना है। मैन्योर और फर्टिलाइजर्स का यूज उसके बाद करना बहुत जरूरी होता है। हम बात कर रहे थे कि बनाना प्लांट में जो मैन्योर और जो फर्टिलाइजर्स हैं उनको कैसे यूज करना होता है। जनरली जो ट्रेडिशनल खेती की जाती है बनाना प्लांट्स की, वहां पे फार्मर्स यूरिया, फास्फोरस और पोटाश का यूज करते हैं। तो अपने पास जो हमारे पास जो अवेलेबल प्रोडक्ट है न्यूट्रिशनल कैटेगरी के, उसमें हमको क्या करना है, जो आपको पता होगा कि जो अपना एचएपी ग्रेन्युअल है, एचएपी ग्रेन्युअल में ये मतलब कि इसके सब्स्टिट्यूट पाए जाते हैं, पोटाश भी मिलता है, फास्फोरस भी मिलता है। और अगर किसान भाई लोग यूरिया का भी यूज कर रहे हैं तो उसी में किसान एचएपी ग्रेन्युअल को मिला करके और बनाना प्लांट में दिया जा सकता है। इसके अलावा एक और प्रोडक्ट है अपना किसान ह्यूमिक, जिसको कि ड्रेंचिंग के माध्यम से हम दे सकते हैं। अभी किसान एचएपी ग्रेन्युअल क्या होता है कि वो ड्रिप के माध्यम से नहीं चल पाता या सक्सेसफुल नहीं हो पाता है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं पानी में जमाव की स्थिति को पैदा करता है। तो उसको हम ब्रॉडकास्टिंग के जरिए ही दे सकते हैं, यानी डायरेक्ट सॉयल में दे सकते हैं। तो जहां पर किसान भाई लोग ट्रेडिशनल खेती कर रहे हैं वहां के लिए तो बहुत अच्छा है कि वो सीधे सीधे बनाना के जो अपने प्लांट्स में अगर ब्रॉडकास्टिंग कर रहे हैं तो वो यूरिया के साथ में मिला करके और इस मतलब कि एचएपी ग्रेन्युअल को डाल दें। लेकिन अगर जहाँ पे सिर्फ इरिगेशन के थ्रू ही सारी चीजें दी जा रही हैं, ड्रिप के थ्रू ही जहाँ पे सारी चीजें दी जा रही हैं, वहां पर आपको किसान ह्यूमिक का यूज करवाना है। किसान ह्यूमिक का यूज करवाने का तरीका भी वही है कि जो मेन ड्रिप का जहाँ से सोर्स है पानी का, उसके ऊपर बॉटल में, बॉटल के जो बॉटम में एक छेद कर दिया जाए और उसको वहां पे टांग दिया जाए, जिससे कि वो पानी में धीरे धीरे गिर करके और पूरे प्लांट्स के पास में पहुंच जाएगा। ठीक है, तो ये एक तरीका होता है अपने किसान ह्यूमिक जो अपना प्रोडक्ट है उसको देने का। और ये आपको देना है जो थर्ड मंथ तक की जो स्टेज होती है उसमें आपको किसान ह्यूमिक कम से कम 2 बार, 3 महीने में कम से कम 2 बार आपको इस प्रोडक्ट को देना है। डोजेज यहाँ पे याद रखनी है कि 1 लीटर, 1 लीटर ह्यूमिक 1 लीटर पानी में जाएगा, यानी 1 ml/L ऑफ वाटर। मोस्टली लोग क्या करते हैं कि जब ड्रिप इरिगेशन कर रहे होते हैं तो वहां पर या तो 200 लीटर का ड्रम लेते हैं या 400 लीटर का लेते हैं। तो अगर 200 लीटर का ड्रम है तो 200 ml 200 लीटर के ड्रम में जाएगा, या 250 ml भी हम डाल सकते हैं, कोई नुकसान और कोई साइड इफेक्ट इसका नहीं है। और अगर जहाँ पे 400 लीटर अगर हम ले रहे हैं पानी, वहां पर हम 400 to 500 लीटर तक हम इसका यूज आराम से कर सकते हैं। ठीक है, ये मैं सिर्फ ड्रिप इरिगेशन की डोजेस बता रही हूँ। और ड्रिप इरिगेशन के थ्रू अगर दे रहे हैं तो किसान ह्यूमिक सबसे अच्छा प्रोडक्ट है इनिशियल स्टेज पर देने के लिए। किसान एचएपी ग्रेन्युअल, अगेन मैं रिपीट कर रही हूँ कि किसान एचएपी ग्रेन्युअल को आप यूरिया के साथ में जब किसान भाई लोग दे रहे हैं तो उसमें दे सकते हैं। इसके साथ ही अगर किसान भाई लोग ड्रेंचिंग एप्लीकेशन का यूज करते हैं, ड्रेंचिंग के माध्यम से कोई प्रोडक्ट देते हैं, तो वहां पर भी वो किसान ह्यूमिक और किसान एचएपी ग्रेन्युअल को एक साथ में मिला करके ड्रेंचिंग यहाँ पर मेरा मतलब है कि जो केले के पौधों की आसपास की जड़ों पे जो हम डायरेक्ट प्रोडक्ट का जो सप्लाई देते हैं, या उनके जड़ों के आसपास में हर पौधे के अलग अलग जड़ों के आसपास जो हम डालते हैं प्रोडक्ट, उस जो अपनी एप्लीकेशन होती है उसको ड्रेंचिंग हम बोलते हैं। तो वो वहां पे किसान एचएपी ग्रेन्युअल भी डाल सकते हैं और किसान ह्यूमिक भी डाल सकते हैं। डोजेज वही रहेंगी जो मैंने अभी बताया, पर लीटर ऑफ वाटर के हिसाब से, या पर एकड़। किसान एचएपी ग्रेन्युअल 2 kg पर एकड़ में जाता है। ठीक है, लेकिन बनाना प्लांट्स में किसान एचएपी का यूज हम 3 to 4 kg पर एकड़ भी कर सकते हैं प्रोडक्ट देने हैं। आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि जब हम अगर ड्रिप के माध्यम से दे रहे हैं तो किसान ह्यूमिक बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है, और किसान ह्यूमिक पर लीटर ऑफ वाटर में 1 ml के अकॉर्डिंग आपको डोजेस देनी है। और
और उसके बाद जो अपना एचएपी ग्रेन्युअल है या किसान ह्यूमिक, दोनों प्रोडक्ट्स को हम ड्रेंचिंग के माध्यम से भी दे सकते हैं। अगर किसान भाई लोग ड्रेंचिंग कर रहे हैं और यूरिया के साथ अगर दे रहे हैं तो किसान एचएपी ग्रेन्युअल दीजिए, और अगर किसान भाई लोग ड्रिप के माध्यम से सारी दवाइयां दे रहे हैं तो वहां पर आप किसान ह्यूमिक का आप यूज करवाइए। ठीक है, नेक्स्ट हम बढ़ते हैं कि आपको बेसिकली यहाँ पर समझना है कि किसान जो ग्रोथ स्टेजेस है वहां पर आपको क्या क्या प्रोडक्ट देना है। मैं वापस जा रही हूँ अपने चार्ट पे, जो आपको ग्रोथ स्टेजेस दिखाई थी वहां को देख करके आप समझ सकते हैं कि हम किस किस स्टेज में कौन कौन से प्रोडक्ट्स दें। ठीक है, अब आप लोग चाहें तो नोट डाउन भी कर सकते हैं कि जो फर्स्ट स्टेज अपनी दिख रही है कि प्लांटिंग की स्टेज है, प्लांटिंग के टाइम पे ही आपको किसान यील्ड देना है 500 to 800 ग्राम पर एकड़ के अकॉर्डिंग। ठीक है, फर्स्ट स्टेज में जहाँ पे प्लांटिंग की स्टेज दिख रही है वहां पर आपको किसान यील्ड का यूज करना है, मतलब पौधा लगाने से पहले और पौधा लगाने के बाद में। कुछ लोग जैसे लैंड प्रिपरेशन करते हैं तो वहां पे किसान यील्ड का यूज कर लेते हैं अगर, तो उनको फिर मतलब कि 1 से 1.5 महीने के अंतराल पे किसान यील्ड का यूज करना है। और जहाँ पे लैंड प्रिपरेशन के टाइम पे अगर किसान यील्ड नहीं दिया है तो प्लांटेशन के तुरंत बाद, जैसे ही हम मिट्टी चढ़ाते हैं, हम प्लांटेशन करते हैं तो उसके बाद पौधों पे मिट्टी चढ़ाते हैं ना, तो मिट्टी चढ़ाने के टाइम पे ही हमको किसान यील्ड का यूज करना है। किसान यील्ड का यूज जो है जितनी भी अपनी स्टेजेस है, मतलब फोर्थ स्टेज है, फर्स्ट स्टेज से फोर्थ स्टेज तक कम से कम आपको 3 बार देना है। तो ये किसान भाई लोगों पे डिपेंड करता है कि वो इन चार जो अपने फोर्थ स्टेज यानी कि जो 9 मंथ तक की स्टेज होती है, तो 8 महीने में वो कम से कम 5 बार किसान यील्ड का यूज कर सकते हैं, या अगर उससे भी कम वो यूज करना चाहें और अगर वो यूरिया की मात्रा ज्यादा अगर ले रहे हैं तो वो वहां पे कम से कम 3 बार तक किसान यील्ड का यूज करें। ठीक है, तो किसान यील्ड का यूज मैंने बताया आपको पहले महीने से लेकर के और 9वें महीने तक आप कभी भी यूज कर सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम 5 बार और मिनिमम 3 बार तो इसका यूज करना ही है एक समान इंटरवल पे। ठीक, अब हम सेकेंड स्टेज पे जब हम जाते हैं, जब हमारा बनाने बनाना में लीफ का जब कहते हैं ना, जब लीफ ज्यादा आ रही होती है और लीफ जब पूरी तरह से विकसित हो रही होती है, तब वहां पर हमको क्या यूज करना है। मैंने आपको बताया कि उस टाइम पे आप उसके पहले ही, बल्कि आपको जो अपनी सेकेंड और थर्ड मंथ की जो स्टेज होती है वहां से हमें क्या स्टार्ट कर देना है, किसान ह्यूमिक और किसान एचएपी ग्रेन्युअल का यूज करना स्टार्ट कर देना है। नंबर थर्ड पे जब हम जाते हैं तो जैसे ही अपनी थर्ड स्टेज ये सेकेंड स्टेज कंप्लीट होती है और जब अलग अलग और भी फुटाव होने लग जाता है और भी दूसरे पौधे जड़ों के पास से आने लग जाते हैं, तो वहां पर आपको किसान गोल्ड ग्रोथ का यूज करना है। किसान गोल्ड ग्रोथ का आपको यूज करना है, और किसान गोल्ड ग्रोथ का यूज आप जो है तीसरे मंथ से कभी भी स्टार्ट कर सकते हैं, जिससे पौधा बहुत अच्छे से विकसित होगा, उसकी पत्तियां बहुत अच्छे से विकसित हो जाएंगी, उसका तना बहुत अच्छा होगा और पत्तियों का कलर, पत्तियों का साइज बहुत अच्छा होगा, तना ज्यादा मजबूत बन पाएगा। तो वहां पर आपको किसान गोल्ड ग्रोथ का यूज करना है। किसान गोल्ड ग्रोथ भी हार्वेस्टिंग की स्टेज से 10 या 15 दिन पहले तक भी आप यूज कर सकते हैं। इसका इंटरवल टाइम होगा एवरी 30 डेज में। किसान गोल्ड ग्रोथ का यूज आपको करना है 4थे महीने से लेकर के हार्वेस्टिंग स्टेज, मतलब हार्वेस्टिंग के 10 दिन या 15 दिन पहले तक, और आपको हर 30 डेज के इंटरवल टाइम पे इसका यूज करना है। अब जब हम इसकी, जैसे ही हमारा फोर्थ स्टेज जब हमारी आ रही होती है यानी कि जब 6ठे महीने तक अगर जब हमारी स्टेज जा रही होती है, तो यहाँ पर आपको गोल्ड ग्रोथ के साथ में एक प्रोडक्ट और मिक्स करना है, वो है किसान अमीनोविट और किसान एंटीफ्लो। ठीक है, इन दोनों प्रोडक्ट्स को आपको मिक्स करना है, और मिक्स करके तब आपको सॉरी एवरी 30 डेज पे उसका रिपीट डोज देते रहना है। आपके 9 महीने, मैं नहीं कहूंगी, अगर अब मैं 10 से 11 महीने की बात करूं तो 10 से 11 महीने तक आपको ये स्टेज का रिपीट डोज देते रहना है। ठीक है, इसके बाद जैसे ही आप देख रहे हो कि फ्रूटिंग स्टेज हमारी स्टार्ट हो जाती है, किसान ह्यूमिक भी हम साथ में दे रहे हैं, किसान यील्ड भी हम साथ में दे रहे हैं, और
एक सबसे इम्पॉर्टेंट टिप है आपको ये ध्यान में रखने वाली कि आप जो अपने न्यूट्रिशनल कैटेगरी के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उनको एक साथ मिक्स करके दे सकते हैं किसान 100 के साथ में, लेकिन यहाँ पर जो अपनी प्रोटेक्शन कैटेगरी के प्रोडक्ट हैं या अगर कोई भी इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड डाला जाता है तो वो कभी भी न्यूट्रिशनल कैटेगरी के प्रोडक्ट के साथ में मिक्स करके नहीं डालना चाहिए, ठीक है। जैसे शूटिंग स्टार्ट होती है, शूटिंग के बाद में जैसे ही मतलब हैंड्स ओपन होने स्टार्ट हो जाते हैं, हैंड्स ओपन मतलब जहां से फल आना शुरू हो जाता है, ठीक है, उसको टेक्निकल लैंग्वेज में हैंड्स ओपन बोलते हैं। तो जैसे ही पहले से तीसरे हैंड्स ओपन होने शुरू हुए वहां पर ही हम फ्रू मैच्योर देना शुरू कर देते हैं। ये स्टेज आपकी 9 मंथ के बाद आती है बनाना के प्लांट में। 9 मंथ के बाद में जैसे ही फ्रूटिंग की स्टेज स्टार्ट हो रही है, जैसे ही छोटे छोटे केले के फल आने शुरू हो रहे हैं, वहां पर आपको रेगुलर थ्रू मैच्योर का यूज करना है एटलीस्ट आपको 25 डेज के इंटरवल पे, ठीक है। हर 25 दिन पे जब तक सारे हैंड्स ओपन नहीं हो जाते हैं, पूरी तरह से सारे केले नहीं निकल आते हैं, तब तक आपको थ्रू मैच्योर का यूज हर 25 दिन के अंतराल पे करते रहना है, ठीक। ये बेसिकली एक चार्ट था जो आपको कैसे कैसे प्रोडक्ट्स का यूज करना है। अब यहाँ पर एक ध्यान देने वाली बात है कि इरिगेशन फार्मर के ऊपर डिपेंड करता है, किसान भाई लोग अपने हिसाब से इरिगेशन करते हैं, या अगर मौसमी बारिश हो रही है तो उनको इरिगेशन की जरूरत नहीं पड़ती। तो ऐसी कंडीशन में अगर वो मैं अगर जनरली बात करूं कि अपना जो किसान 100 है उसका इस्तेमाल अगर हर 1.5 से 2 महीने पे एक बार अगर वो करते रहेंगे तो उनकी जो पानी में जो नमी है वो बरकरार रहेगी। पानी अलग से अगर पानी ज्यादा भी हो रहा है तब भी वो ड्रेन आउट कर देगा, और अगर पानी की कमी हो रही तो वो उसको भी मेंटेन कर देगा, ठीक है। तो किसान 100 का यूज जब जब भी किसान भाई लोग मतलब इरिगेशन के लिए जाते हैं तब किसान 100 का यूज किया जा सकता है। अब मैं अपना आखिरी एक बचा है कि ये सबसे इम्पोर्टेंट अब एक बात यहाँ पर मैं करने जा रही हूँ, प्लीज ध्यान से सुनिएगा कि बनाना प्लांट में कितनी तरह की डिजीजेस आती हैं, और ये पिक्चर के माध्यम से आप लोग बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। अलग अलग नाम होते हैं लेकिन बहुत सारे हो सकता है आपको नाम याद ना रहे, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि आप यहाँ से समझिए कि कौन कौन सी डिजीजेस होती हैं। ये आपको पत्ते दिख रहे हैं कि पत्तों पे अगर ऐसे स्पॉट नजर आ रहे हैं, या पत्तियां नीचे से ऐसे झुलसी हुई दिख रही हैं, या काली हो रही हैं और ऊपर अगर पीले धब्बे आते जा रहे हैं, ठीक है। या आपने देखा होगा बनाना प्लांट्स में कि पत्तियों पे पत्तियां बीच से फटनी शुरू हो जाती हैं, एक बराबर नहीं रहती, और वो पूरी एक जैसे कि कहते हैं ना जो एक जंग का जो कलर होता है जो हल्के ऑरेंज और येलो शेड में होती है, अगर ऐसी पत्ती दिख रही है, या फ्रूट्स में अगर ऐसे सिगार की तरह कुछ बन रहा है तो इसको बेसिकली सिगार रॉट बोलते हैं। जब केले के जैसे फल आने शुरू होते हैं तो उसमें ऐसे नीचे से मतलब ब्लैक ब्लैक होकर के एक सिगार के शेप में जो अपना फल है वो दिखना शुरू हो जाता है, अगर ऐसा दिख रहा है, ठीक है। या अगर बहुत सारी पत्तियां जो फट भी ज्यादा रही हैं, बहुत ज्यादा ही बीच बीच में मतलब एक एक अगर आप कह सकते हो कि एक एक सेंटीमीटर की अगर दूरी से फट रही हैं, या इस तरीके से प्लांट दिख रहा है तो ये भी एक बीमारी है, ठीक है। इसके बाद अगर अगर आपको ये दिख रहा है बेसिकली अब इस ये प्रॉब्लम आप देख सकते हैं कि ये इस तरीके से जैसे ही हम कटिंग करते हैं जहां से अपने जो केले के वो होते हैं फल होते हैं और वो जिस शूट में लग रहे होते हैं उस शूट पे आप देखें तो वहां से कटिंग करिए तो ऐसे ही ये अंदर से कुछ लिक्विड जैसा दिखता है और घेरे घेरे में बना हुआ दिखना चालू हो जाता है, या पत्तियां पूरी तरह से ऊपर से सूख करके और नीचे की तरह डाउन होनी शुरू हो जाती हैं, या अगर केले के फल पक गए हैं और उनपे ऐसे धब्बे आने शुरू हो गए हैं, ठीक है। तो केला एक ऐसी अपनी कहते हैं क्रॉप है जिसपे बीमारियां बहुत ज्यादा आती हैं, और केले में बीमारियां केले के तने में, केले के जो इस मतलब जो लीफ है उनमें, केले के शूट में, और
फलों में हर जगह पे बीमारियां आने का खतरा रहता है। और जैसे ये आप देख रहे हैं ना, अगर ये पत्तियां अंदर की तरफ फोल्ड होने लग गई हैं, निकल रही हैं, आप यहाँ पे समझ सकते हैं कि पूरी रोल होनी चालू हो जाती है, कि जैसे किसी ने पत्तों को लपेट के रख दिया हो और वो हल्के पिंक कलर में है, तो ये एक वायरल इन्फेक्शन होता है। इन सारी जो बीमारियां हैं ये कहीं ना कहीं ये फंगल डिजीज की वजह से होती हैं। तो इसके लिए अपने पास जो एक प्रोडक्ट है वो सबसे अच्छा प्रोडक्ट अगर माना जाता है तो वो है प्लांट गार्ड और बायो प्रोटेक्ट। इन दोनों को जब भी आप यूज करें तो अलग अलग यूज ना करके एक साथ में, हमेशा एक कॉम्बिनेशन में इसका यूज करना है। मतलब प्लांट गार्ड और बायो प्रोटेक्ट को कॉम्बिनेशन में यूज करना है। जैसे ही आपको शुरुआती लक्षण इनमें से किसी भी मतलब तरह के शुरुआती लक्षण अगर आपको अपने पौधों पर नजर आ रहे हैं, तो आप बिना देरी किए, बिना किसी केमिकल प्रोडक्ट का यूज किए, आप अपना बायो प्रोटेक्ट और जो प्लांट गार्ड है दोनों को मिक्स करके और इस पे आप स्प्रेइंग के माध्यम से दीजिए। स्प्रेइंग के माध्यम से मैं इसलिए बोल रही हूँ कि, और स्प्रे करने का भी सबसे अच्छा तरीका क्या होता है केले के पौधों में, कि जो स्प्रेयर टैंक जो आता है, ठीक है, जो फुट स्प्रेयर जिसको बोलते हैं, फुट स्प्रेयर टैंक जो आता है, उसको एक बांस के डंडे में बांध करके अच्छे से, और या किसी भी उसमें एक डंडे में बांध करके, और उसमें दवा उस टैंक में घोल दीजिए और उसके माध्यम से स्प्रे करिए, तो केले के हर एक सिरे तक दवा आराम से पहुंच जाएगी। डोजेज यहाँ पर क्या रखनी है, थोड़ी बढ़ा करके डोजेज आपको रखनी है। जो अभी तक जैसे आप डाल रहे थे कि केले के पौधों में जो भी सॉरी आप जो बायो प्रोटेक्ट, जो लोग पहले ट्रेनिंग सेशन अटेंड कर चुके हैं उन्हें पता है कि बायो प्रोटेक्ट जो है 25 to 30 ग्राम आपका पर लीटर वाटर में जाता है, और प्लांट गार्ड जो है वो 1 ml पर लीटर ऑफ वाटर में जाता है। लेकिन यहाँ पर क्या करना है, जब हम बनाना प्लांट की बात करते हैं तो एटलीस्ट 40 to 45 ग्राम आपको एक 15 लीटर के पानी में 40 to 45 ग्राम्स आपको बायो प्रोटेक्ट लेना है, और एटलीस्ट 2 ml पर लीटर ऑफ वाटर के अकॉर्डिंग आपको प्लांट गार्ड लेना है, ठीक है। इन दोनों को आपको स्प्रे करवा देना है। मैं एक चीज और बताऊंगी, ध्यान रखिएगा, जब आप इन दोनों प्रोडक्ट का यूज करवाते हैं तो पत्ते थोड़े मुरझाए हुए दिखेंगे। किसान भाई लोग आपसे शिकायत भी कर सकते हैं कि उनके पत्ते थोड़े मुरझाए से दिख रहे हैं, या जो है वो थोड़े सूखे और कहीं कहीं पे थोड़े जले से दिख रहे हैं, तो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि अगर ऐसे सिम्टम्स आ रहे हैं तो इट मींस कि दवा अपना पूरा जो है वहां पे इफेक्ट दिखा रही है, और उसके 24 घंटे बाद से अगेन उसमें जो है ग्रीनरी स्टार्ट हो जाती है। ग्रीनरी स्टार्ट होगी और जो प्रॉब्लम जितनी भी आ रही है, जैसे हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जब हम फीवर हमें आता है और हम दवाई खाते हैं तो हमें बहुत कमजोरी सी फील होती है ना, तो हमसे भी कोई काम नहीं किया जा सकता, हम भी सुस्त पड़ जाते हैं। तो ऐसे ही जब बनाना ट्रीज पे हम दवा का यूज करते हैं तो उसके पत्ते बहुत ही गिरे और मुरझाए हुए से, बहुत ही एकदम सुस्त सा पौधा दिख सकता है, तो वहां पे घबराने की जरूरत नहीं है, बल्कि वो एक बहुत अच्छा साइन है कि दवा बहुत अच्छे से असर कर रही है। शुरुआती लक्षण दिखने पे ही इस दवा का असर, मतलब इस दवा का यूज करना आपको स्टार्ट कर देना है, और जब तक पूरी तरह से प्रॉब्लम क्योर नहीं हो जाती तब तक आपको हर 15 से 18 दिन में एक बार इसका स्प्रे करना है, ठीक है। इस दोनों प्रोडक्ट के कॉम्बिनेशन का स्प्रे हर 15 से 18 दिन में आपको करना है, जब तक कि इसमें से किसी भी तरह की प्रॉब्लम जो है पूरी तरह से क्योर नहीं हो जाती। मैं अपने पिछले सेशंस में कई बार बता चुकी हूँ कि जो अपने जो प्रोडक्ट हैं वो सिस्टम और कांटेक्ट दोनों पे काम करते हैं, और इसमें से कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी हैं जो कि कांटेक्ट में हैं और कुछ प्रॉब्लम ऐसी हैं जो सिस्टम में हैं। जैसे ये जो प्रॉब्लम्स हैं ये कांटेक्ट में आने वाली प्रॉब्लम्स हैं, ताकि इनको दवा, मतलब आप देख सकते हैं कि ये छूने से हमको पता चल रही है। इसी के साथ ही जैसे ये वाली अगर प्रॉब्लम की मैं बात करूं तो ये कांटेक्ट की प्रॉब्लम है, ये जब तक आप पौधे को कटिंग नहीं करेंगे तब तक आपके सामने ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो अपने जो दोनों प्रोडक्ट हैं, बायो प्रोटेक्ट और प्लांट गार्ड, वो मतलब इस जो जो सिस्टम में प्रॉब्लम आ रही है पौधे के, ये उस पर भी जाकर के पूरा काम करेंगे। पूरे 100% ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है, तो इस दवा का कोई साइड इफेक्ट नहीं है ना पौधे पे ना हमारी सेहत पे, तो इसका यूज आप हर 15 से 18 दिन में आराम से कर सकते हैं। बस डोजेस ध्यान रखिएगा, और स्प्रे माध्यम से कैसे देना है उसको ध्यान रखिएगा, फुट स्प्रे का यूज करना है। फुट स्प्रेइंग मशीन जो है वो
आपका आपको यूज करना है इस पे स्प्रेइंग देने के लिए, दवा को देने के लिए। तो ये एक बेसिक सी इंफॉर्मेशन थी केले के जो अपने प्लांट्स हैं और जो फल उसमें मिल रहे हैं, उसमें आने वाली प्रॉब्लम्स और उसमें कब कब हमें क्या क्या प्रोडक्ट देने हैं उनके बारे में। सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। सभी लोगों को हैप्पी संडे एंड वंस अगेन हैप्पी मॉर्निंग। विश यू ऑल द इन्फिनिटी ऑफ वेल्थ एंड हेल्थ। थैंक यू ऑल ऑफ यू। थैंक यू फॉर द लवली कमेंट्स। बाय बाय। टेक केयर। Thank you.